वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का न्यू नॉलेज चैनल में। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर और बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फटाफट कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं, सो इम्पॉर्टेंट है, सो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स हैं, शेयर हैं, सारे प्रेशर में ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों। उसका रीज़न सबको पता ही है, हाई कोर्ट में केस है इसका और सिंगापुर आर्बिट्रेशन में भी मामला चल रहा है अमेजोन के और फ्यूचर ग्रुप की डील विवाद को लेके। सो उसमें अभी कोई क्लैरिटी या कुछ नहीं आया है डिसीजन, सो इसी वजह से सारे शेयर प्रेशर में हैं और कह सकते हो कि ये एक गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ये मूव करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों, वो जान लेते हैं। CAIT ने ED को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोला है अमेजन के अगेंस्ट में, और इसके लिए वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से प्रेशर आ रहा है ऑलरेडी अमेजन के ऊपर, सो देखते हैं कितना प्रेशर वो झेल पाता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी अपडेट ये निकल के आ रही है दोस्तों, न्यूज़ जो भी है 1.44 लाख करोड़ की पेनल्टी लग सकती है अमेजन को। CAIT ने ED को बोला ये चीज़, सो मीन्स कह सकते हो कि अमेजन के ऊपर एक प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और दो चार अपडेट ये निकल के आ रही हैं, जो उनके पुराने पुराने एम्प्लॉई हैं फ्यूचर ग्रुप के, वो कंपनी छोड़ रहे हैं, और क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि मीन्स क्या होगा आगे फ्यूचर। सो ये भी एक अपडेट है दोस्तों। सो जाहिर सी बात है एज़ पर द एम्प्लॉई एस्पेक्ट्स, सो उनका तो मेरे हिसाब से डिसीजन सही है अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ऐसे अनसर्टेन माहौल में तो कोई भी ज़्यादा टाइम तक कह सकते हो संकुचित होकर नहीं रह सकता। सो ये तो स्वाभाविक है दोस्तों, ऐसा माहौल जब तक रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो आएगा ही ग्राउंड लेवल पे। और थोड़ा सा एक सेबी के बारे में भी जान लेते हैं कि एक मैंने उनकी वेबसाइट गो थ्रू करी थी, तो आप भी गो थ्रू करके चेक कर सकते हैं कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का स्टेटस क्या है। सो आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से यूट्यूबर या किसी का न्यूज़ का वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अपना भी सर्च जारी रखें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी स्टेज में है स्टॉक कि थोड़ा सा भी डिले हो गया तो मीन्स एकदम डाउन भी जा सकता है और एकदम अप भी हो सकता है। तो जो भी मेरे तो यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग अपनी रिसर्च भी जारी रखें, किसी का न्यूज़ का वेट ना करिए। सो मैंने सेवी का देखिए 4 दिसंबर का प्रोसेसिंग स्टेटस निकाला है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में, और आप देख सकते हो इसमें फ्यूचर ग्रुप का नाम यहाँ पर मेंशन है। ये देखिए आप, अभी भी ये आ रहा है 4 दिसंबर की डेट का स्टेटस। सो ऐसे ही आप लोग को मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली ट्रैक करिए उसके अंदर, और क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फैसला फ्यूचर ग्रुप के हक में आ गया तो बहुत अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है। तब अगर न्यूज़ मिस भी हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है, बट अगर इन केस कोर्ट का फैसला नहीं आता है फ्यूचर ग्रुप के साथ, तो उस टाइम पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो भी बहुत क्विकली। सो ये चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग खुद भी न्यूज़ से ट्रैक करिए, और होप आप लोग कर ही रहे होंगे। और जहाँ तक बात रही कोर्ट के डिसीजन की, सो चांसेस है दोस्तों विद इन दिस वीक कुछ ना कुछ अपडेट आना चाहिए। सो जो भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों फॉर ऑन टाइम अपडेट। मेरी कोशिश है कि ऑन टाइम अपडेट शेयर करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।